हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल लिरिक्स स्टार्टर वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। गाइस, अभी के समय में इस टाइप का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, आप लोग देखे होंगे और अभी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको भी क्रिएट करना है इस टाइप का वीडियो तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप इस टाइप का वीडियो एकदम सिंपल स्टेप में क्रिएट कर सकते हो। और इस टाइप का वीडियो अगर आप लोग भी क्रिएट करके इंस्टाग्राम रील्स में पोस्ट करते हो तो आपका भी वीडियो वायरल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ स्टेप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके फोन में इन शॉर्ट एप्लीकेशन है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और कई सभी आपको मनपसंद फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो डेमो के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला फोटो को ऐड कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फोटो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको फोटो को ऐड कर लेना है और फोटो को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते सबसे पहले फोटो का जो रेशियो आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो फोटो का रेशियो चेंज करने के लिए यहाँ पे कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फोटो का जो रेशियो आपको 9:16 वाले रेशियो में क्लिक करना है। और इस तरह से ये जो एरर आपको इस तरह से 50 करके यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे फोटो का जो ड्यूरेशन आपको यहाँ पे लॉन्ग करने का, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो का ड्यूरेशन यहाँ पे 5 सेकंड का है। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्ग करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे पेंसिल आइकन में जाना है और यहाँ पे आपको जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में आपको वीडियो क्रिएट करना है उतना सेकंड मिनट में कर लेना है। तो डेमो के लिए हम 15 सेकंड का कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक जो यहाँ पे 15 सेकंड का ड्यूरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले कर लेना है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे वीडियो के फर्स्ट पे आना है। आने के बाद अब यहाँ पे फोटो को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। एडजस्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से आप फोटो को एडजस्ट कर सकते हो हल्का सा। तो फोटो के अनुसार आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। आफ्टर एंड बिफोर का फोटो देख सकते हो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड अब क्या करना है, वीडियो के फर्स्ट पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको पीआईपी वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे पीआईपी वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते आपको फोटो वाला ऑप्शन मिल जाना है और आपको ये रेड शैडो इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है। देख सकते हो मेरा यहाँ पे रेड शैडो इमेज ऐड हो चुका है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन पर करना है और आपको इस तरह से ऐड कर लेना है ये रेड शैडो इमेज को, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे लेफ्ट से शेडो आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से आपको कर लेना है एंड आपको ये इमेज का ड्यूरेशन लॉन्ग कर लेना है कुछ इस तरह से, ओके। एंड यहाँ पे अगर आपको वीडियो को फर्स्ट पे आने आने के बाद यहाँ पे पीआईपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते अब आपको क्या करना, यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन में जाकर आपको ये लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। एंड आपको यहाँ पर टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है, ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन में क्लिक कर लेना है, ओके। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है और थोड़ा ये लिरिक्स वीडियो को आपको बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन पर, और आपको ये साइड में आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको पीआईपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते आपको ये जो है ग्लिच वाला वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है, रोटेट कर लेना है इस तरह से। एंड आपको फुल स्क्रीन पर करके यहाँ पे आपको ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो चुका है। एंड अगर आपको वीडियो को फर्स्ट पे आने आने के बाद यहाँ पे पीआईपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये व्हाइट बॉर्डर इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है, आपको फुल स्क्रीन पर करना है। देन यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से जो मेरा पीआईपी वाला काम है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पे 90% मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टिकर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टिकर प्लस वाला आइकन में जाना है और आपको ये जो आइकन मिलेगा गैलरी वाला आइकन, इसके ऊपर क्लिक करके आपको ये स्टिकर को यहाँ पर ऐड कर लेना है, ओके। आपको छोटा कर लेना है और ये जो लिरिक्स वीडियो है इसके नीचे आपको इस तरह से लगा लेना है, ठीक है। और इसका जो ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग करके, अब क्या करना है, यहाँ पे नीचे में आपको कोई सा भी नाम लिख लेना है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी का नाम हो या फिर आपका चैनल का नाम हो। तो यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस आइकन में जाकर देख सकते हैं यहाँ पे मेरा चैनल का नाम लिख दिया हूँ। देन यहाँ पे आपको डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। बहुत सारे आपको फंड मिल जाएगा, जो पसंद है वो फंड को आप ले सकते हो। कलर वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो,
ठीक है, एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। और ये जो है नाम को हम छोटा कर लेता हूँ और ये स्टिकर के नीचे हम इस तरह से सेट कर लेता हूँ। और ये नाम का ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है और यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सेट हो चुका है। देन यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। तो देख सकते हैं मेरा जो वीडियो कुछ इस प्रकार बनकर रेडी हो चुका है। एंड अब क्या करें, यहाँ पे आपको फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन में जाना है और आपको देन आपको यहाँ पे बीट्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको व्हाइट यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट मिल जाएगा। देन यहाँ पे हल्का से एकदम डाउन कर लेना है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको डाउन कर लेना है। और स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन में जाकर आपको स्ट्रेंथ को फुल कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्लैश इफेक्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है और आपको हल्का सा आपको फ्लैश इफेक्ट को ऐड करना है। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंट्रो में। जहां से लिरिक्स स्टार्ट नहीं होगा वहां तक आपको ये फ्लैश इफेक्ट को ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। और यहाँ से आप क्या करें, जहां से फ्लैश इफेक्ट है वहां तक आपको इस तरह से जाना है उस लाइन पे। देन यहाँ पे आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एरो मिल जाएगा, देख सकते हैं एक एरो, इसके ऊपर क्लिक करना है। और आपको यहाँ पे सुपर के बगल में जूम इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जूम इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। और ये जो टाइम ड्यूरेशन आपको इस तरह से फुल करके यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो मेरा जो यहाँ पे वीडियो है कंप्लीट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो मेरा जो वीडियो है कुछ इस प्रकार बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के लिए प्लीज यार लाइक कर लेना है। एंड अब क्या करना है, वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फेवरेट है, इसको सेक्शन करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पर सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।